हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, इंडिया से हार पर और वर्ल्ड कप में गलत बेकार किस्म की परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम और उसकी टीम को जेल केस में डालने हो गया भाई पाकिस्तान में। उसके ऊपर किसी ने केस ठोक दिया है, मतलब इस टीम के ऊपर यार कुछ भी कहो यार आप। हाँ मतलब केस कर तक सकते बात हो, लेकिन यार लेकिन केस लोगों यार। को भी अजीब है यार, अब केस कौन करता है? लेकिन कुछ पागल बंदों ने लगता है कर दिया केस। तो पहले हुआ क्या सारा कुछ इसके बारे में जानेंगे, बाकी बातें करेंगे लास्ट पे। काउंट ऑन करते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, तो स्टार्ट। भारत से मैच हारना बाबर आजम को पड़ा महंगा, बाबर आजम के साथ पूरी टीम जाएगी जेल, लगेगा देशद्रोह का मुकदमा। इस खबर से वर्ल्ड क्रिकेट में मच गई सनसनी। एयरपोर्ट पर खड़ी होकर इंतजार करेगी पाकिस्तान की पुलिस, नहीं मिलेगा घर जाने का मौका, एयरपोर्ट से सीधे सभी खिलाड़ी जाएंगे जेल। लाखों क्रिकेट प्रेमियों को ठगा, देश के साथ की है गद्दारी, जिनके ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान करती है पाकिस्तान की जनता, क्या उन खिलाड़ियों ने की है गद्दारी? अचानक T20 वर्ल्ड कप का शोर इस आवाज के सामने फीका पड़ गया। वर्ल्ड क्रिकेट में एक अनोखी खबर ने ऐसी सनसनी मचा दी जिसे सुनकर सबका दिमाग चकरा गया, हर कोई हैरान हो गया। आखिर यह कैसे हो सकता है? एयरपोर्ट के बाहर पाकिस्तान की फोर्स बाबर आजम और उनके पूरे साथियों को गिरफ्तार करके सीधे जेल ले जाएगी। क्या सच में पाकिस्तान ने कोई नया कानून बना दिया है कि अगर टीम भारत से हार जाएगी तो उसको इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि खेल खेल होता है। पाकिस्तान की टीम भारत से हार जाती है तो पाकिस्तान में मातम हो जाता है, वहां टीवी टूटने लगते हैं, फैन की आंखों में आंसू आने लगते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो देखने को मिलती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में क्रिकेट को पूजा जाता है, इसलिए क्रिकेटरों को क्रिकेट प्रेमी बहुत मानते हैं, उनके ऊपर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान की खबर ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। इस खबर की क्या हकीकत है? क्या भारत से हारने पर सच में पाकिस्तान की टीम जेल जाएगी, या T20 वर्ल्ड कप हारने की वजह से पाकिस्तान की टीम को जेल भेजा जाएगा? चलिए सब कुछ हम आगे आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। पाकिस्तान की टीम को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। T20 वर्ल्ड कप में पहले उसे अमेरिका और भारत से शर्मनाक हार मिली, इसके बाद पूर्व क्रिकेटर्स और फैंस ने जमकर पूरी टीम को लताड़ा। बारिश की आशंका के बीच टीम टूर्नामेंट से बाहर होने की चिंता में थी कि अब बाबर आजम की टीम पर एक नई मुसीबत टूट पड़ी है, पूरी टीम जेल जाने के कगार पर है। पाकिस्तान के एक वकील ने सभी खिलाड़ियों समेत कोच और दूसरे स्टाफ देशद्रोह का मुकदमा कर दिया है। वकील ने पूरी टीम पर देश को धोखा देने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में गुजरावाला शहर में एक वकील बाबर आजम समेत अन्य खिलाड़ियों के खिलाफ देशद्रोह की याचिका दायर की है। इसमें टीम के खिलाड़ी और कोच समेत अन्य स्टाफ का भी नाम शामिल है। वकील ने पूरी टीम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल के मुताबिक वकील ने याचिका में कहा है कि वह अमेरिका और भारत के खिलाफ मिले हार से बहुत आहत है। वकील ने कप्तान बाबर आजम की टीम पर देश के सम्मान को दांव पर लगाकर धोखाधड़ी से पैसे कमाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, वकील ने इस मामले की जांच कर रिपोर्ट जमा करने की मांग की है और इसे पूरा होने तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बैन लगाने को कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस याचिका को मंजूर भी कर लिया गया है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम पर अब जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ की थी, अपने ओपन मुकाबले में बाबर आजम की टीम को मुंह की खानी पड़ी थी। टेक्सास के डलास स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में पाकिस्तान ने 160 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे अमेरिका ने 159 रन बनाकर टाई कर दिया था। फिर सुपर ओवर में उसने पाकिस्तान को 5 रनों से हरा दिया था। वहीं न्यूयॉर्क में हुए हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 रनों से शिकस्त दी थी। इसके बाद से ही पूर्व क्रिकेटर समेत कई पाकिस्तानी फैंस अपनी टीम से काफी नाराज चल रहे हैं। एजी के साथ हुए यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब, पहले उधर भी इनकी खैर नहीं थी, अब पाकिस्तान में भी इनकी खैर नहीं है यार। वैसे एक बात है यार, देखो हम बुरा भला बोल सकते हैं, हम लोग गुस्सा कर सकते हैं, केस करना केस की तो नहीं बनती ऐसे। तो यार कोई भी किसी के ऊपर उठाकर और इसको कोई नो डाउट यार, नो डाउट बहुत ही गंदा खेले ऐसी परफॉर्मेंस कोहली है कि वाकई इनका एक टमाटर से स्वागत हो वो चीज भी काम लगती है। लेकिन फिर भी यार मतलब केस जो है ये कुछ ज्यादा हो गया भाई, ज्यादा हो गया भाई, अगले ने केस ही ठोक दिया, केस ठोक दिया और पूरी टीम पे, एक पे भी नहीं कोच पे भी, ओ भाई साहब पूरी टीम पे केस ठोक दिया। अच्छा पहले मैं ये समझा न्यूज कोई फेक सी है, पहले मैं भी समझा, लेकिन ये रियल न्यूज है, भाई ये मैंने कंफर्म किया, ये रियल न्यूज है। हम मोस्टली कंफर्म करते हैं ताकि इसके आगे पीछे कुछ हो तो पाकिस्तानी मीडिया में। एक और न्यूज भी चल रही है क्या पाकिस्तान में, क्या जो
ज्यादातर खिलाड़ियों का सिलेक्टर हमारा चेंज हो रहा है यार, उसको तो चेंज करो, उसने तो भाई मैं न्यूज बता रहा हूँ आज आपको सारी वो है ना अब राजा भी उसको उसने आज तक सही ढंग से कोई मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा होता है सिलेक्टर कौन सा होता है और भी है मेरे जहन से निकला हुआ एक सिलेक्टर चेंज हो रहा है दूसरा एक हमारा कोच था अजहर महमूद वो चेंज हो रहा है उसके बाद मैं आपको लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूँ उसके बाद जो जिन लोगों के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए थे जिनको पैसे महाना मिलते थे खिलाड़ियों के वो रुक रहे हैं सही किया वो पैसे रुक रहे हैं वो जिनको ज्यादा देते थे उनके पैसे कम कर रहे हैं उनको जो मरात मतलब जो चीजें दी जाती थी मतलब मंथली मंथली बोनस। जो बोनस दिया जाता था या मंथली उनको घर के लिए गाड़ी के लिए कोई पैसा शैसा जो दिया जाता था वो खत्म हो रहा है ताकि इन लोगों को पता चले ये लोग ये मजे के लिए नहीं ये इनको पता और मेरी नजर में ये स्टेप इनके लिए इनकी अकल अगर अभी देखो ये कभी भी पीसीबी ना करता काफी लोगों से ये खबरें आ रही हैं ये आपस में लड़ते रहे काफी खबरें आ रही हैं ये ग्रुप बंदियों में चलते रहे ये पीसीबी ने तब ग्रुप बनाया तब ये पीसीबी ने किया ये लड़ाइयां कर रहे हैं आपस में ये काफी सारी खबरें निकले इस वजह से ये ग्रुपिज्म अगर इंडियन टीम में हो जाए ना यकीन करो ये सारे बेशक जितने भी बड़ा नाम हो वो बीसीसीआई उनको लात मार के बाहर निकाल बिल्कुल करता है तभी तो कामयाब है ना अगर परफॉर्मेंस नहीं दोगे और ग्रुपिज्म करोगे ना तो बीसीसीआई सीधा लात मारेगा बिल्कुल पीसीबी को भी चाहिए कि जैसे जो ग्रिपिज्म करे उसकी पिछवाड़े पे लात मारो साल दो साल निकालो अकल ठिकाने आए फिर जिंदगी बाहर नहीं करेगा थोड़ा सा भाई अच्छी बॉलिंग कराने लग गए अच्छी बैटिंग करने लगे तो तुम ग्रुपों में लग जाते हो दूसरा ये जो जेल वाला सीन है ना ये मुझे अब पता नहीं आगे आगे लेकिन क्या है शॉकिंग मेरे लिए शॉकिंग है यार कि मैंने आज तक ये सुना नहीं था कि उनके ऊपर केस मतलब अब उनको केस क्या मतलब उसने एक तरह से केस किया कि मतलब इन्होंने यकी किया क्योंकि बॉल लोगों के क्योंकि मैंने न्यूज़ देखी थी बॉल न्यूज़ वालों ने उसने ये इस तरह की खबर और कहा जा रहा है कि कोई फिक्सिंग किया है तो उसकी वजह से शायद मतलब वही ना बिल्कुल और यार लेकिन उन्होंने फिक्सिंग तो खैर नहीं की वही $25 जो कमाए लोगों से वही बेचारों ने कमाए वो तो अपनी मतलब नॉर्मल उनकी रूटीन थी धंधा शंधा उन्होंने किया वो अलग चीज है $25 बिल्कुल लेकिन उन्होंने फिक्सिंग लेकिन यार कम से कम देखो क्रिकेट को एक हद तक ही हम और ये भी होता है पाकिस्तान इंडिया से हारे या यूएसए से हारे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर केस कोई भी आके ठोक दे ये नहीं होना चाहिए क्रिकेट थी ठीक है वक्ती तौर पे हमें भी गुस्सा आया और लोगों को भी आया लेकिन केस नहीं बनता यार सीधी सी बात बताऊं यार ये चलो गुस्से में कर दियो शायद भाई वापस ले लियो हो भी सकता है आकर मामला सेट हो गया हो सकता है उसको भी ठंडा कर लियो तो आपका किसके कहना अपने रेकमेंड सेक्शन में दें आप क्या सोचते हैं सारे मामले के ऊपर अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा दोपहर बाद